क्या 4000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1000 रुपए दिया, अब 4000, 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया। चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया। कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख, 4000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5000? ये सेठ इधर 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 ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया, उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5000 देता है, हाँ? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह जाने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन, हीरोइन समझा। ड्रग्स। बड़ी मस्ती करता तू। मेरे को देना ये सूट, देना। 4000 में लेना है तो ले, हाँ? नहीं तो फूट। ठीक है, पुलिस को बताऊंगा तब पता चलेगा। अभी जो है आइटम देखे गए ना, वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर, हरामखोर, ऐसे चलाओ ना। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सॉरी, दो पानी पूरी मीठी बना रे। ए चल पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगाना। पकड़ साले को, साले धोखे बाज हो, आज आया तू मेरे चंगुल में, साले छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम लोगों को ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है, उसके साथ मैंने ठुमका मारा। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ मैं यार। की लड़की है, सुशील लड़की है, वो बार डांसर हो ही नहीं सकती। अरे तेरे को विश्वास नहीं होता, तू चल मेरे साथ। मेरे साथ नहीं जाता ऐसी जगह। तो बाबू भैया आप चलिए, आप चलिए मेरे साथ, चलिए ना बाबा, आप चलिए मेरे साथ। नहीं एक किधर भी लेकर जाता, बाद में फंसा देता है। ये काम कर, तू जा, तू अकेला जा, और होगी तो ऐसा कान खींच के बाहर लेकर जा। राजू कान मत खींचना, नाजुक है वो बेचारी। ए तू चलना यार, तू राजू सुनना, वो पूरा दुकान लेके गई, तू कान के पीछे पड़े का रे। बेचारी है वो। ए देवा बहुत भूख लगा है, आजा आजा। ए बाबा ये केला कितने का दिया? 20 रुपए दर्जन है, 20 रुपए। बिना छिलके का बोल रहे, बिना छिलके का। अरे भाई मांगता है तो लो ना। ये तेरे पर कितना पैसा है? 5 रुपए। क्यों ला दे? अरे ला ना, ला ला ले। क्या हुआ राजू? नहीं मिली यार। मैं बोला था ना ऐसी लड़की नहीं है। अरे आज से लेडीज बार बंद कर दिया, लेडीज को सबको बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने। अरे बाबा लाओ केला दो, भूख लगी। अरे चश्मी शंकर, ये काय रे? बहुत भूख लगी है, एक केला दो ना। अरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है, केला खाने का, केला खाने का तेरे को। ये शाम तेरा केला दे, केला दे बाबा, बच्ची को भूख लगा है, इंसान है कि कौन है, केला दे। ले खा, खा, खा। अरे बेचारी। अंकल एक और दो ना। मेरा ले 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 मेरे को। अभी भी भूख लगी है अंकल। ये ले बेटा, ये भी ठूस ले, खा। थैंक यू अंकल। अबे ये कहां से आ गया? साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। साले तूने पैसा खाया मेरा। ए पत्थर नहीं, पत्थर नहीं, छोटे भाई पत्थर नहीं, छोटे भाई पत्थर नहीं, मार नहीं, मार भाई भाग। ये साले मवाली, ये घर का मैं मवाली हूं, मवाली नहीं हूं, ये मेरा भी पैसा खाया, मेरा भी मार इसको। और मैं ड्राइवर, ड्राइवर इसने मेरा भी पगार नहीं दिया, मारिए आप इसको, मर्डर कर दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं जानता हूं। ए मार मत, ए बोला ना, एक मिनट। ए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मैंने इन्वेस्ट किया, वो कंपनी छोड़,
वो कंपनी लेके भाग गई, वो मेरी गलती नहीं उसमें, वो कंपनी मेरे खुद के सारे पैसे लेके चले गए, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं इन फकीरों को मैं खिलाता हूं, तुम लोगों मेरे से भाग रहे हो, फकीरों से भाग रहे हो, अरे कुछ तो शर्म करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, आराम करो, अरे भगवान से डरो तुम लोग, सब नुकसान हो गया, हाँ हाँ सब कुछ खराब हो गया, एक फूटी कौड़ी नहीं बची है। क्या बात कर, अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को, अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम लोगों को मारने से फुर्सत मिले तब ना, मेरा मालिक ना इतना दयालु है, अगर उसके पास चलोगे उसे अपने नुकसान के बारे में बताओगे तो तुम्हें 10-20 लाख और दे देगा। मेरे भाई बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, मालिक है। बाबू भैया बच गए, आगे से लेफ्ट टर्न। बस बस बस, आइए आइए आइए, सब लोग आइए, आ जाइए आ जाइए, आराम से आ जाइए। ए इतना अंधेरा क्यों है मेरे भाई, इसके बाद उजाला ही उजाला है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आइए आइए आइए। ये घर है कि बंदूक का कारखाना? नमस्ते भाभी जी। हट, खाली पीले भंकर। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? अरे काम वाली बाई है, भाभी थोड़ी है। ओ सॉरी यार। सेठ जी आ गए, सेठ जी सेठ जी, ये 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 सेठ जी। नमस्ते सेठ जी। जी जी। हे भाई क्या कर रहे हैं? बंदूक हटा। आप लोगों को अंदर बुलाया है, ऑफिस में बुलाया है, आइए आइए, सेठ जी बड़े दयालु हैं, आइए आइए तीनों आइए, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, यही है वो तीनों कमीने, सेठ जी इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया, आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया, इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। अरे ये झूठ बोलता है, इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दोगे, हमारी मदद करोगे। सर जी ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने बोला तोप, ए तोप, तोप तोप लेने ता तिवाली तेता पैता था यार तुम लोगों ने, दाम से माल डालूंगा ले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। ए त्या तुतुल पुतुल, नहीं, 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 नहीं। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना। ए तुम तानपति ले ले, तामने से जवाब, तामने से जवाब देता है तू, वो तेरी तोलते ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लात किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं रे, लात कैसा मारेगा? बहुत मारेंगे, लो चुप हो जाओ। अरे 20 लाख नहीं दे, 20 लाख दे। अरे मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ, चुप रे, देता हूँ। या तू तैयार है? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख दे। ताले तेरे को समझ में नहीं आता, 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी धोती पे डाल दूंगा मैं, ताले दिवाली का पैसा तू ताले। मेरा पैसा मुझे दे दो अभी पे अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम ताले तुम, नहीं तो मैं तोते उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है, पिदल है मेरा 20 लाख रुपया। आता आता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? नहीं 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 नहीं, मैं तो पैदा होने के साथ ही तोतला हूँ, मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तरह में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल तोल रहा है, तोते ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था, गाता था। माँ कसम मैंने देखा, इनका बाप ना इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में, मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल माजा दिल, तू ही माजी मंदिर, कहीं भी ये ना ये तू तोतला, मैं तोतला, मेरा काम वाला ने बाबा काम वाला।
लता गावा ले ले तू ए राजू ए थाम तान तोल के तुल लो मेरा तोतला तगे वाले का पैसा खाया तूने साला लौटा देना नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा बोल दिया दे देगा रे मैं चलता हूं अबे दाता कहां है साले डला पीछे मुल्ते देख आईना इसका मुंह किधर है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे देख भाई है ना मेरे पुत्तो इन लोगों पे धर जाओ और जब मैं दो साला सामान मिले उसे ले दे आओ दादी बनियान सब ले दे आओ ए साइड में रोक साइड में रोक साइड में रोक मेरे भाई क्या हुआ गाड़ी काहे को रुका रहे ये बिल्डिंग में रहता क्या तू नहीं नहीं ये बिल्डिंग में नहीं वो गटर में गटर में मेरे को बहुत जोर से बाथरूम आया मेरे प्लीज चल घर जाके करना नहीं घर तक नहीं जाऊंगा मेरा निकल जाएगा प्लीज मैं यहाँ कर लेता हूँ गटर में समझा कर मेरा किडनी खराब है राजू तेरा क्यों किडनी का बीमारी है तू अभी तक बोला नहीं रे बाबा मेरे को बाबू भैया मालूम है ना आपको भाई साहब इनको जाने दो वरना इधर ही कर देगा वो किडनी खराब है उसका तू भाग्या तो भागेगा क्यों मैं अरे मेरा दिमाग खराब है ये तो है ना तुम्हारे साथ मैं भागेगा नहीं ये क्या हमको गिरवी रखेगा रे तू हाँ ठीक है ठीक है ठीक है जल्दी जा 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 जल्दी जा राजू जा 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 बहुत भले आदमी हो तुम लोग राजू जल्दी आ साला पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको ये बाबा किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे दिन में 10 बार पानी पियो 20 बार जाओ आधा जिंदगी साला बाथरूम में चला जाता है रे ए वो वापस क्यों नहीं आ रहे कहीं भाग तो नहीं गया वो मेरे को तो लगता है उसके किडनी में हार्ट अटैक हो गया होगा गिर गया होगा कहीं मैं उसको उठा के लेके आता हूँ तू वापस नहीं आए तो अरे मैं कैसे भागेगा काय को भागेगा बाबू भैया है ना आपके पास गिरवी या क्या मेरे को क्या गले का मंगलसूत्र समझा गिरवी रख के जाता वो पेशाब के लिए गिरवी रखेगा तू हार्ट अटैक के लिए गिरवी क्या समझा ए बाबा ये भाग जाएगा ये भाग जाएगा ए तुम दोनों भी जा रहे हो इसके साथ में मैं लेके आता हूँ उसको राजू राजू अरे अरे चल ना ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक अभी किडनी में भी हार्ट अटैक होता है ए चुप चुप हार्ट अटैक कर सकती ए ये लोग आए क्यों नहीं यार अभी तक हो अभी मेरी बारी है मैं जाके देख ए चुप एड़ा समझा क्या तू इधर ही बैठ हम दोनों देख के आते हैं ए गुंडा भाई ए गुंडा इधर आ ये गाड़ी लॉक कौन करेगा बाबा ऐसा खुला नहीं छोड़ने का मैं भाग गया तो मत हाँ ठीक है ये क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे क्या गुंडा बनेगा रे तू क्या माइला पाकिट मार रहे इतना चिल्लाते क्यों आप अरे नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया उसको बुरा लगे कर नहीं आ अरे यार इनको समझाओ ना यार अरे लॉक कैसा आएगा अरे लॉक ऐसा खुलता चलो चलिए आप चलो अभी चलिए ना चलिए जल्दी चलिए अरे कभी तो भागिए देखो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं वरना गुंडे पीछे पड़ जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे बस एक काम करो तुम लोग जाओ मैं आता हूँ कहाँ जा रहा है तू अरे वो रेखा प्रिया बिमला के पैसे देने यार तो इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा अरे लेकिन तू कितनी लड़कियों से उधार लिया है यार अरे कहाँ उधार लिया है एक ही तो लड़की से उधार लिया है उसके 572 रुपए देने बहुत अच्छी लड़की है यार दिल की बहुत साफ लड़की है उसके पैसे लेके नहीं जाना बाप रे पाप लगेगा ये तेरे को प्यार तो नहीं होगा ना रे बाबा हा? नहीं रे प्यार कहाँ हुआ हा? नहीं 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 बाबा नहीं तेरे पे भरोसा नहीं है मेरे अरे मेरे को तो बचपन से ही इस पे भरोसा नहीं अच्छा चलो तुम लोग भी चलो चलो चल कोई नहीं है ये लगता है बिल्डिंग में खिड़की है रे बाबा दरवाजा है ही नहीं वो लड़की क्या खिड़की से आती जाती रहती है ये बिल्डिंग का पिछवाड़ा है लगता है मेन डोर आगे है और खिड़की पे डोर बेल भी नहीं है अब ये कचरा वाली बाई आएगी कैसा खोल पप्पू बापू
तेरा बाप इधर रहता है। आशीर्वाद ले लो चलो। पप्पू 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 कुटला पप्पू यहाँ क्या कर? मैं उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? रे बाबा मर गया रे तू। राजू तेरे को बोला था ना इधर नहीं आने को। देख लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बाबूजी ये लीजिए आपकी चाय। भैया तुम यहाँ क्यों आए? हमें इतना बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें तसल्ली नहीं मिली? बाबूजी जिस ट्रस्ट में काम करते थे वहां पे तुमने जारी दस्तखत करके सारे पैसे निकाल लिए, फिर भी तुम्हें चैन नहीं मिला। मेरे गहने चोरी कर लिए, घर बिकवा दिया और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें इस किराए के घर में रहना पड़ रहा है। सुन बहन। मत कहो बहन मुझे, निकल जाओ तुम यहाँ से। मरते मरते जो थोड़ी बहुत जिंदगी जी रहे वो भी मत छीनो हमसे। तुम बाहर निकलो। दरवाजा मत खोल, दरवाजा मत खोल, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? मुझे जान से मार देंगे। मेरे पास तिवारी का 20 लाख रुपया था, किसी ने मुझे स्कीम बताई कि 25 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। मैंने सोचा डबल करके बाबूजी का सारा कर्जा उतार दूंगा, लेकिन मेरी तकदीर ही खराब है। मैंने मैंने जिन लोगों को 20 लाख रुपया दिया वो मुझे धोखा देके भाग गए, वो मुझे छोड़ गए। मैं तिवारी मुझे मार डालेगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा नहीं खोलना, अंदर जा। मैंने तुम्हारे साथ काम किया, तुम मुझे देखो, तुम मेरे भाई लोग हो। देखो ये बहन को, ये इसको कुछ मत करो, ये तुम देखो मैं तुम हाथ जोड़ता हूँ, इसको मत, ये इसको कुछ मत करो। नहीं नहीं, राम राम राम, काय देव ये कुठे गेले? ए ए साले लोग रुको रुको, एक एक गाड़ी रोक, गाड़ी रोक साले। हाथ दे रहे राजू, ये लो नीचे गटर है संभाल के। चला रहा हमारे लफड़े की वजह से बेचारी लड़की फंस गई रे देवा। ट्रेन में खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। उसका बाप भी अपाहिज है, क्या कर दिया हम लोगों ने। पीने के लिए पानी की बोतल भी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। अरे जल्दी चलो यार, ट्रेन छूट जाएगी। अलकन साला आदमी है कि दगड़ है रे तू? वो लड़की को बेचारी को गुंडा उठा के लेके गया पर ये साला मुंह छुपा के भागने की बात करता है। अरे मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं इधर ही हूं, तुम लोगों की जाने की बात कर रहा हूं मैं। ये राजू, ये राजू क्या बोला रे तू? साला जुआ खेला मैं, दांव पे लगी वो लड़की, तुम लोगों को मैं ही रोड पे लाया। अभी जो कुछ करना मेरे को करना, तुम लोग जाओ ट्रेन पकड़ो, यहाँ खतरा है। पर करेगा क्या रे तू? कुछ नहीं, जाऊंगा वो तोतले तिवारी के पास, उसको बोलूंगा लड़की को छोड़ दे मुझे पकड़ ले। अरे वो तोतला तिवारी येड़ा है, वो तेरी जान ले लेगा रे। मार डालेगा ना मेरे को तो मार डाले, खत्म कर डाले मेरे को। कम से कम ये पाप तो मेरे सर से हटेगा। जाता हूं उसके पास और उस लड़की की जिंदगी भीख मांगता हूं उससे। ए राजू ये हलकट, ये शक्ल देखा रे तेरा, कौन भीख देगा रे तेरे को? ये मुझे देख, मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड भिखारी लगता है, मेरे को तेरे साथ आना पड़ेगा। चल चल, मैं तो पैदा होने से ही मांग रहा हूँ, पहले माँ बाप का प्यार, फिर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और अब नौकरी। मेरा तो मांगने में बायोडाटा बहुत स्ट्रांग है, PhD हूँ, मेरे को तो चलना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अमीर मुझे बनना था, जब पाप मेरा तो सजा तुम लोग क्यों भुगतो? ये गब्बत रे, करिए पाप पाप पाप। देखे तूने पाप का गठरी बांधा तो मैंने भी मेरा लालच का पोटली अंदर रखा था ना। लेकिन बाबू भैया ये सब क्या बोल रहा है तू? ज्यादा बोला ना तो 1 लाफा मारूंगा,
बाबू भैया बहुत चालू आदमी है। एक तो हमें पाप में भागीदार जबरदस्ती बनाता है, और फिर जब प्रायश्चित करने का टाइम आया तो अकेला चल दिया तू। ऐसे कैसे? ये देख, मजा मारने को कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। अगर राजू दो फटका खाएगा तो श्याम भी दो फटका खाएगा, और श्याम दो फटका खाएगा तो मेरे को भी एक फटका तो खाना पड़ेगा कि नहीं है? ए, चलो डॉन के पास जाके दया की लोन मांगते हैं। चल चल देवा चल। क्या ले? तुम तो बोल रहे थे ये लोग भाग गए। सेठ जी, ये हमारे आपस का मामला है, उस बेचारे को छोड़ दीजिए ना। आप चाहें तो मुझे गिरवी रख लीजिए, लेकिन इसकी बहन को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? जी मैं दूंगा, आपके 20 लाख मैं दूंगा। 40 लाख? 40 लाख क्यों? क्या तुम तो डबल तन्ने वाले थे ना? 40 लाख, और वो भी 3 दिन में। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। ठीक है, 3 दिन में 40 लाख मैं दूंगा। तिलूफता है ते तुम दादो दे नहीं। मैं सब, अगर भागना ही था तो हम आपके पास थोड़ी ही आते। प्लीज इसकी बहन को छोड़ दीजिए। ठीक है, ए पप्पू तुम दाते दाते अपनी बहन तो ले जाना। क्यों जा? क्यों जा? चल भाई, ताला खोल। वो ताला का चाबी नहीं है रे मेरे पास। अबे चुप, तेरे को नहीं इसका बोल रहा हूँ। कमाइला तोड़ दिया। कौन सा दातुन वापरता है तू? बाबू भैया, ये हमारा ये पुरानी पेटी का ताला खुल नहीं रहा है, खोल के दे दे। अब चुप। पुलिस स्टेशन गए या कहीं भी भागने की कोशिश की तो तोड़ दूंगा। 3 दिन के बाद पैसा लेने आऊंगा, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा वक्त खत्म। पीटर। बोलो रणजी भाई। मुझे तुम पर इतना भरोसा है जितना आपको आपकी बीवी पर भी नहीं है। सही कहा, आज जितना भरोसा तुम पर है उतना भरोसा 1 साल पहले मुझे मुन्ना पर था, लेकिन वो गद्दार निकला। डोंट वरी रणजी भाई, मैं वफादार कुत्ते की तरह हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें अपना अड्डा दिखाने लाया हूँ। ये देख, ये देख। पुलिस चौकी में अड्डा? चौकी में नहीं, छत पर। जा ऊपर जाके माल और रोकड़ा लेके आ। ए गोटिया, नानजी भाई का नया भर्ती आया है, इसको माल और रोकड़ा देने का है। चले, ये माल है और ये रोकड़ा, संभल के। चल। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा? किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है। तो लेकिन इंसान 1 किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को 1 किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर 1 आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर 1 किडनी, फिर 1 आंख,
ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। तू बापू राव के लिए अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा, ए देवा, देव दे, देव मानुष निकला रे तू देव। मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहू भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो भैया? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था मैं भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। टमाटर क्या मारला तेरे को? अबे अभी सबूत लग जाएगी, अभी सबूत लग जाएगी। हाय शपथ दे इसके मुंह पे मारो। अरे बाबू चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया, चलिए आप पाव भाजी वाला लेके टमाटर का चटनी दिखा दे कुत्ते। गोली मार दिया था वैसा मैं फादर इंडिया बन के साला राज को उड़ा दिया था। आप बंदूक हटाइए, शांत हो जाइए आप। एक्सक्यूज मी यंग मैन। ये रंगीन चद्दर कौन है बाबा? पता नहीं। हाँ, मैं देवदास हूँ। परु पार नहीं रे पीटर, तेरे को नांजी क्या राणा बना के भेजा था ना, तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिछोरे बने क्या कर रहा रे? बहुत खतरा है वो नांजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरे गेम बचा देंगे। अबे नांजी से इतनी तरक्की तो यह जग मार रहे। नांजी भाई का खजाने का पता चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर है, चलिए जरा बता। खेतवाड़ी पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा है, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद आप नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई भाई आप कमाल है, भाई कमाल है, कमाल है। कांजी नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप ना भाई, आप भाई मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला अलग ला, बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना पे डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना अभी तो खाली सीटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी। फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं, नहीं, नहीं बेचने का है, आंख और किडनी नहीं चाहिए। नहीं आप लोग चलो मेरे साथ। नहीं चलो मेरे को बेचने का नहीं, जल्दी आओ, कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे, चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है, क्या है ना मालूम है आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे, जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना, 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाते तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिसाब बराबर याद रखते हो, 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शेह छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं, वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको?
भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। भैया मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे नहीं बचूंगा। फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को। मार कर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए। ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है। मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा, उसकी फिक्र मत कर। जी इस किताब में जो बंदूकें हैं ना, वो सब 15 बंदूकें एक येड़े पारसी के पास हैं, और वो 3 खास बंदूकें भी सेठ जी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। धन्यवाद सेठ जी। तेदी मैं तो बोलता हूँ तब तक पैसे नहीं आते, इतने तो नहीं तोलते, क्या बोलते हो? ठीक है, लेते थोते उत्पाद भी होती बंदूक पे तो पता चला। तेदियो बालती ताला मुंबई में और 15 बंदूक भी इतने पाते, लेकिन ताले का तो आता पता नहीं है। अरे तो सर ढूंढो, मुझे सपने में पारसी नजर आता है, बंदूक नजर आती है। पारसी बंदूके? सर जी अगर उस पारसी से मैं वो 15 बंदूकें ला के दूं तो? तू इधर से ला दे। सेठ जी ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दीजिए, मैं आपको ला के दूंगा। ठीक है, अगर तू वो 15 बंदूकें मुझे ला तल देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है, उसको जगा लेगा। उसके पास 15 बंदूकें हैं। 15? उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी। ये ले। ढाल ढाल। और एक मिनट मस्त है जल। और 17? क्या बात कर रहा 17 गन और ये 3 20? लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था। आइडिया, 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको, 2 एक्स्ट्रा, वो खुश हो जाएगा। और सुन ये 3 है ना, हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50, क्या बोलता है? लेकिन पप्पू को बोलना मत। नहीं बोलूंगा। हलाम दादे, कहाँ है वो 3 बंदूक? कौन सी 3 बंदूक? आपने 15 बोली, मैं 17 लाया। अबे ये 3 बंदूक किधर है? अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल मार्केट में सलोर होती कीमत है, किधर है? अबे बोल किधर है ये, तेरे को तो गाली डालूंगा। मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ सर जी, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। एक और एक 11। टीचर का नहीं सुनने का वो पागल है। बंदूकें किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा, खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, 6 की 6 गोलियां घुसाऊंगा पेट में। वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहाँ है? वो हाँ वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम?
मेरे घर आई एक नन्नी परी। राजू ये असली है या नकली? असली है यार। क्या बात कर रहा है? ये अंदर गोली है क्या? क्या है? बहुत अंदर है, लेकिन बहुत अंदर है। ये गिरा क्या? गिरा है? अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं गिरा। अरे साला गिरा हो तो ऐसा दो चार फेंक के मार दूंगा। अरे जो भी है, ये बंद तकदीर का ताला खोलने वाली है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना, चोर के घर में चोरी। अरे होगी होगी फिर हेरा फेरी। <ब्रुणा। laughs>